सो है गाइस, वेलकम बैक टू टेक एक्शन। दिस इज़ दिव्यांश और आज मेरी एनर्जी थोड़ा लो है क्योंकि मेरे गले में थोड़ा खराश है और मुझे थोड़ा ऐसे ही टेंशन है। तो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। तो आज हमने देखा कि निफ्टी में फॉल आया। जब भी ऐसा बड़ा फॉल आता है तो मार्केट तैयारी कर रहा होता है फॉल करने की। देखिए, एकदम वेज पैटर्न बनाया है। मैं आपको टोटल एनालिसिस करके दे रहा हूँ मार्केट का। मैं इंडेक्स का भी एनालिसिस करके दूंगा और कुछ आपको स्टॉक्स भी बता दूंगा जिस पर आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि कल मैंने बताया था ये वाला ICICI बैंक, तो आज इसमें क्या हुआ, ये फॉल कर गया। मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि डायरेक्शन मैं नहीं बताऊंगा कि ये अपसाइड जाएगा कि डाउनसाइड जाएगा। मैंने ये कहा था मोस्ट ऑफ द केसेस में अपसाइड जाता है। तो डायरेक्शन आपको निफ्टी बताता है कि कोई भी स्टॉक है वो जो है अप जाएगा कि डाउन जाएगा। क्लियरली डिपेंड ऑन निफ्टी, सनसेक्स एंड बैंक निफ्टी। ओके, सो ये सारे स्टॉक्स थे जो मैंने कल बताए थे। एक गेल का भी मैंने बताया था, लेकिन गेल ने भी फॉल किया यहाँ से। अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो तो ये सब चार्ट पैटर्न को समझ जाओगे, और नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं चार्ट पैटर्न और जो कैंडलस्टिक्स का है, ये सब पूरा जो भी बायोडाटा है, जो भी स्टडीज़ होती हैं चार्ट की, वो सारी आपके सामने ला के रख दूँगा। और बाय द वे, अगर आपको ऑप्शन सीरीज़ पर वीडियो चाहिए तो उसका मैंने ऑलरेडी पार्ट बना चुका है। सारे पार्ट्स बनाए हैं, बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू और एडवांस, मतलब कॉम्प्लेक्स लेवल तक की मैंने चीज़ें समझाई हुई हैं। मतलब उससे बाहर कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी है ही नहीं। आप बेरिश स्ट्रेटजी उठा के देख लो, पॉजिटिव बेरिश बुलिश स्ट्रेटजी उठा के देख लो, उसके बाद न्यूट्रल स्ट्रेटजी उठा के देख लो, वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर है। आप मेरा प्लेलिस्ट देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडे। तो टुडे आज क्या हुआ हमारा कि वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया इसने। क्लियरली वेज पैटर्न का, अगर आप निफ्टी का एनालिसिस करना सीख गए, फिर कोई भी आपको स्टॉक उठाना है उसमें आपको थोड़ा बहुत निफ्टी से आइडिया लगेगा। आइडिया से आपको क्या करना है, थोड़ा और उसके आगे सर्च करना है और आपको मिल जाएगा कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है इंट्राडे के लिए। और इंट्राडे के अलावा बेसिकली मैं क्या 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 करता हूँ, मैं डॉलर में भी ट्रेडिंग करता हूँ और इसमें भी ट्रेडिंग करता हूँ, स्टॉक्स में भी। स्टॉक्स एंड डॉलर, मैंने दो सेगमेंट खुलवाए हुए हैं, NSE, NFO एंड CDS, तीन सेगमेंट में ट्रेडिंग करता हूँ। उसके अलावा मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करता हूँ, इन्वेस्टमेंट मैं स्टॉक्स में नहीं करता, हाँ मेरी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है जो क्रिप्टो करेंसी में है। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो आप देख रहे हो, जब ये गिरने वाला होता है तो निफ्टी में भी जो है पैटर्न बन जाता है, और बैंक निफ्टी में भी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब जब मैंने ड्रॉ कर लिया है तब आपको दिख रहा होगा। ये जो ब्लू लाइन है, ये है हमारा सपोर्ट जोन। सपोर्ट लाइन नहीं है, ये सपोर्ट जोन होता है, सपोर्ट जोन। तो ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन को इसने एक बार में तोड़ दिया। जब एक बार में तोड़ दिया तो हल्का सा यहाँ पर देखिए आपका रिट्रेसमेंट आया, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। तो ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पर कहीं आप अगर सेल करोगे और टारगेट कितना रख दोगे, टारगेट इसका थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, तो आपका प्योर जो है मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी एक और स्ट्रेटजी है, अगर आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हो
तो बैंक निफ्टी, अगर आप निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, सॉरी फॉर द डिले, ये वीडियो बिना पॉज करके बना रहा हूँ, तो इसमें मतलब थोड़ा मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। मेरे बा घर के बाहर थोड़ा ड्रिलिंग का काम चल रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है। ये हमारा क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो मैं ये बता रहा था, बैंक निफ्टी का अगर आप क्लियरली एनालिसिस करना सीख गए, तो आप क्या क्या कर सकते हो कि SLM, एक ऑर्डर होता है स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट कहाँ लगा के छोड़ सकते हो? इस सपोर्ट जोन के नीचे। इस सपोर्ट जोन के नीचे अगर आप अपना SLM ऑर्डर लगा के छोड़ दोगे, हर दिन करना है ऐसा। मैं ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, और इससे बनेगा, अगर SLM बनेगा पैसा, ट्रस्ट मी। अगर SLM अगर आप डेली लगा के ऐसे छोड़ देते हो सपोर्ट लाइन के नीचे, मतलब कम से कम 1 आवर या 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट या 2 आवर 3 आवर, ऐसे करके वो होना चाहिए टाइम फ्रेम। ओके, तो इसका जब सपोर्ट, इतने टाइम का सपोर्ट जोन, जब सपोर्ट इतने टाइम से सपोर्ट जोन के नीचे आप प्लेस करिएगा अपना SLM, तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा। और जैसे टारगेट, जैसे आपको अपना मनचाहा प्रॉफिट मिल जाए, उतने पर आप निकल सकते हो। तो इतना ही था, तो मैं ये बता रहा था कि इस तरह से चार्ट पैटर्न बनते हैं। बाकी इसके अलावा एक और बैंक निफ्टी में पैटर्न बना, वो ये वाला है। आपको लग रहा होगा कि ये बैंक निफ्टी का है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों बैंक निफ्टी का है। आप यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर पर देख सकते हो, ये मैंने पूरा बैंक निफ्टी का लिया हुआ है। बैंक निफ्टी 21 जून फ्यूचर लिखा हुआ है इसमें, और इसमें भी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी 21 जून फ्यूचर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कई लोगों को ये भी चैनल पैटर्न दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ओके, तो चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट जोन है। मुझे कल थर्सडे है, एक्सपायरी है, मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादातर रहता है, तो आप देख सकते हो कैसे भी टारगेट लगा सकते हो। मैं बस एनालिसिस करके आपको दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपना खुद का भी एनालिसिस करना है, जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वैसे आपको खुद को भी एनालिसिस करना है। और मैं स्टॉक्स तो बता ही दूंगा अभी, और मैं ये भी बताऊंगा कि आज मैंने किस पर ट्रेड लिया था, तो मेरा कितना पैसा बना, सब बताऊंगा। और ये निफ्टी हो गया हमारा, बैंक निफ्टी हो गया, और फाइनेंशियल निफ्टी। तो फाइनेंशियल निफ्टी का मैं आपको क्यों क्या बताऊं कि वॉल्यूम इसमें है ही नहीं, अभी इस समय वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। और जब से सभी ने मार्जिन हटा दिया है, तब से हो तो और जो है से इसकी पूरी हालत हो गई है। पता नहीं, फिर निफ्टी आईटी फिर भी ठीक था, मतलब निफ्टी आईटी अगर सही था, मतलब आईटी एक ग्रोइंग सेक्टर है, तो फिर निफ्टी उतना ज़्यादा नहीं है। ये बैंक निफ्टी को ही फॉलो करता है, और निफ्टी आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो मतलब पूरा अगर मार्केट डाउन भी रहेगा तो निफ्टी आईटी ऊपर रह सकता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं, फिर निफ्टी का कोई ज़्यादा ऐसा यूज़ नहीं है। अब अगले की बात करते हैं। तो अब ये बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा, अप जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से HDFC बैंक ने, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, उसके बाद लास्ट किस किस नहीं बोलेंगे, लास्ट केस,
वीपी फाइनेंशियल वाले ने मतलब किस बोल बोल के किसी पढ़ा दिया, किस नहीं बोलेंगे इसको, केस बोलेंगे, लास्ट केस या किस बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये जो बना हुआ है लास्ट केस, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है कि बैंक, एक बैंक ये हो गया और दूसरा बैंक ये हो गया कोटक, जो बड़े बड़े बैंक हैं उन लोगों ने लास्ट केस करके दिखाया हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की हुई है और लास्ट केस का भी बना के दिखाया है, और बंधन बैंक में भी एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट मैंने देखा हुआ है, वो शायद इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो बैंक की तरफ से ये है कि भैया हमने हाथ खड़े कर दिए हैं, कि भैया हमने हाथ खड़े कर दिए हैं, हम अब निफ्टी को और ऊपर नहीं उछाल सकते हैं। अब ऊपर कौन लेके जा सकता है? ऊपर लेके जा सकता है हमारा मेटल सेक्टर। निफ्टी को ऊपर कौन लेके जाएगा? निफ्टी को हमारा मेटल सेक्टर ऊपर लेके जा सकता है, फार्मा सेक्टर ऊपर लेके जा सकता है, उसके अलावा आई डोंट थिंक सो मैन, किसी में इतना अभी उतना पोटेंशियल नहीं बचा हुआ है। एनर्जी ने भी कुछ दिनों तक ही खींचा, इंफ्रा ने भी कुछ दिनों तक ही खींचा, इंफ्रास्ट्रक्चर ने, रियल्टी मतलब रियल इस्टेट ने भी कुछ दिनों तक ही खींचा, अब मेटल और यही दोनों खींच सकते हैं, मेटल और फार्मा। ये मेरा एनालिसिस है, आप अपना एनालिसिस देख के करना। और ये GSW स्टील है, ये हमारी बेस्ट नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है ट्रेड लेने की, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है और इस सपोर्ट जोन के नीचे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, बैंक निफ्टी में SLM ऑर्डर नीचे पर लगा के, SLM ऑर्डर नीचे पर लगा के छोड़ दीजिए, बस SLM ऑर्डर जब आप नीचे पर लगा के छोड़ देंगे, बस आपका आराम से प्रॉफिट बनता है, और नहीं बनेगा तो लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि SLM ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मतलब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट अगर होगा तो मार्केट नीचे जाएगा और आपका प्रॉफिट बन जाएगा, और नहीं एग्जीक्यूट होगा तो लॉस भी नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, और मैं इतना टाइम डिवोट करके, अपना इतना प्रीशियस टाइम डिवोट करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, गले में खराश है तब भी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मेहनत करके मैंने ये चार्ट्स इकट्ठा किए हैं, ये ट्रेडिंग व्यूज़ की वेबसाइट से मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लिया है। तो अगर आपको इतनी मेहनत पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके जाया करो यार, मतलब आप नहीं जानते कि आपके सब्सक्राइब से हम कितने खुश हो जाते हैं। आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओ चाहे ना दबाओ, बस सब्सक्राइब कर दो उस, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे और इस तरह से कंटेंट बनाना चाहिए। सो लेट्स फर्दर टॉक अबाउट हैवेल्स का मैंने लेवल बता दिया है, हैवेल्स का मैंने लेवल बता दिया है, ये तो राइम हो गया, हैवेल्स का मैंने लेवल बता दिया, ये सारे लेवल्स हैं। अगर मार्केट जो निफ्टी का ट्रेंड देखते हुए आप इसमें हैवेल्स में भी ट्रेड कर सकते हो, आई डोंट, मुझे याद नहीं आ रहा कि निफ्टी में आता है हैवेल्स कि निफ्टी 50 कि नेक्स्ट 50 में आता है, निफ्टी 100 के अंदर आता है ये पक्का है, हैवेल्स निफ्टी 100 के अंदर आता है। तो अगर निफ्टी का जो भी डायरेक्शन होगा वो हैवेल्स का डायरेक्शन होगा, और मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, ये आप लेवल्स मार्क करके रख सकते हो। और ज़ीरोधा में जो आप ट्रेडिंग व्यू, अगर मेरी तरह आपने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट क्लिक किया हुआ है तो उसकी जगह आप चार्ट आई के ऊपर क्लिक करोगे, तो चार्ट आई के ऊपर जो भी आप काम करोगे, जैसे आपने लेवल्स मार्क करके रखे चार्ट आई के ऊपर, तो वो आपके सेफ रहेंगे। तो अगर आपको सिर्फ लेवल्स पर काम करना है तो चार्ट आई के ऊपर आप सेफ रखो, उस पर लेवल्स बनाते रहो और हर दिन लेवल्स बनाते रहो, मतलब प्रीवियस डे का हाई लो से जो है वो फिबोनाची ड्रॉ करो और बस उसी पर ट्रेडिंग करो, सिंपल, जैसा कि बाकी ट्रेडर्स करते हैं। और मैं अपना बताऊं, मैं अपना कैसे ट्रेड करता हूं, तो मेरा ये देखो भाई, ये मैं
कल के वीडियो में बताने वाला था, जो कल का मैं एनालिसिस कर रहा था मार्केट एनालिसिस, मैंने जो इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो है मैंने उसमें बताया हुआ है कि मैंने ये वाला स्टॉक नहीं बताया हुआ है, सारे स्टॉक बताया पर ये वाला स्टॉक नहीं बताया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन इसने मतलब जैसे ट्रायंगल पैटर्न नहीं होता है, ट्रायंगल पैटर्न को चीज़ समझ लीजिए आप, जैसे चीज़ चीज़ नहीं होता है, आप शॉप पर चीज़ लेने जाओ तो एकदम ट्रायंगल सा बना रहता है, बस वही चीज़ का टुकड़ा समझो इसको, जहाँ चीज़ के टुकड़े ने जिस तरफ इधर इधर का कैंडल किया, जिधर का कैंडल ग्रीन कैंडल बना तो ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट किया तो बाय करना है, रेड कैंडल कैंडल से ब्रेकआउट किया तो सेल करना है, बस सिंपल। और बहुत अच्छा, ये मैंने आज नहीं मार्क किया है, ये मेरा कल का मार्क किया हुआ रखा हुआ था, और इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 75 रुपीज़ पर, लेकिन मेरा उतना उतना लॉस भी हुआ 100 रुपीज़ के आसपास समथिंग। मैंने बहुत सारे ट्रेड ट्रेड लिए आज, क्यों ऐसा बहुत ट्रेड सारे ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं हेजिंग ट्राई कर रहा हूँ, एक तरीके की न्यू हेजिंग। मैंने आपको बताया था कि हेजिंग क्या होती है, एक बार फिर से बता देता हूँ, हेजिंग क्या होता है कि आप एक सिस्टम बाय करते हो, एक सिस्टम बना देते हो दो स्टॉक या दो ऑप्शंस का, दो स्टॉक या दो ऑप्शन या फ्यूचर एंड ऑप्शन, दो ऐसी कोई भी कमोडिटी करेंसी या कुछ भी बाय करते हो, दो दो अलग अलग चीज़ें, जो अगर एक लॉस हुआ तो दूसरे में प्रॉफिट है, अगर एक लॉस में गई तो दूसरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो अगर ऐसा आप सिस्टम बना लेते हो तो बस आपका फिर इसमें प्रॉफिट जनरेट होने लगता है। वहीं हेजिंग में स्टॉक्स के ऊपर ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे स्टॉक्स देख आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट साइडवेज होता है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत अप गया होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो बहुत डाउन गए होते हैं, तो मैं ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब मैं बना लूँगा तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। तो अगर आप आज सब्सक्राइब करके रखते हो तो आने वाले टाइम में आप उस स्ट्रेटजी को जान पाओगे। तो अगर मैं ये बता रहा था कि स्ट्रेटजी हेजिंग बता रहा था कि दो स्टॉक्स को लेके करते हैं, एक स्टॉक्स ऐसा है जो अप जाने वाला है, एक स्टॉक ऐसा है जो डाउन जाने वाला है, दोनों में पैसा पैसा लगा के रख दिया। अभी इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि कोई स्टॉक है 700 रुपये का, कोई स्टॉक है 400 रुपये का, ठीक है। कोई स्टॉक है 700 रुपये का तो हमने उसमें बाय कर दिया, मान लिया उसमें लॉस हो गया, लॉस उसमें ज़्यादा हो गया, और एक स्टॉक है 400 रुपये का तो उसमें बाय कर दिया हमने, मतलब सेम सेम क्वांटिटी बाय कर दी दोनों में, बाय इसमें 400 वाले में 40 क्वांटिटी बाय कर ली और 70 वाले में 40 क्वांटिटी सेल कर दी, तो दोनों का मोमेंटम अलग है, दोनों के मोमेंटम के हिसाब से मुझे अलग अलग क्वांटिटी सेट करनी पड़ेगी, तब जाके वो हेजिंग कहलाएगा। तो इस ऑप्शन हेजिंग मैं जानता हूँ बहुत इजी होती है, पर ये थोड़ा अलग टाइप की हेजिंग है और ये मेरे टाइप की हेजिंग है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सी या हैव अ गुड डे, हैप्पी ट्रेडिंग, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, अगर वो ट्रेडिंग में है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दो भाई, आपका भाई ग्रो करें, हम भी थोड़ा ग्रो करें, और सबका साथ सबका विकास। ओके सो अगर आपको इंग्लिश में भी कंटेंट चाहिए, इंग्लिश में भी वीडियो चाहिए, या फिर किसी अदर लैंग्वेज में वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल तो सी या हैव अ गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। दिस इज दिव्यांश साइनिंग ऑफ।